देख सकते हैं ये उसके रुपए हैं, तो मैं इसको दे रहा हूँ इसके जो यूट्यूब के पैसे आए हैं। हे गाइस, स्वागत है अनदर ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है महेंद्र और आज मैं जोधपुर में अपने रूम पे हूँ। अभी शाम का समय है, लगभग 5 बज चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ धूप है, मतलब काफ़ी गर्मी है। सो गाइस, अभी हम जोधपुर शहर में घूमने के लिए जाएंगे। अभी शाम का समय है, मैं अकेला ही जाऊँगा, मेरा भाई है वो मेरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई का यूट्यूब का जो पैसा है वो आने वाला है, वो मेरे खाते में आया था, तो इसलिए गाइज मैं वो खाते एटीएम से निकालूंगा। कितने रुपए हैं, वो रुपए कैसे आए उसके खाते में, हम मेरे भाई से भी पूछेंगे। तो गाइज इसी बारे में मैं आज जोधपुर शहर में जाऊंगा, कुछ जगह घूमूंगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा और पैसे भी मैं एटीएम से निकालूंगा, कितने पैसे निकालूंगा और कितने रुपए हैं। गाइज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। सो गाइज चलते हैं और लास्ट तक इसको देखते हैं। सो गाइस, अभी हम जालोरी गेट पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं ये जालोरी गेट चौराहा है और यहाँ की जो सूर्य नमकीन है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समोसे, मिर्ची बड़े और काफ़ी चीज़ें मिलती है। और सूर्य नमकीन या जोधपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है और जोधपुर शहर वो मिर्ची बड़े के लिए काफ़ी फेमस है। सो गाइस, ये है जालोरी गेट, आप देख सकते हैं इस तरह का सीन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम जालोरी गेट पे हैं और यहाँ पे एक सेकंड हैंड करके कंपनी, मतलब पुस्तकों की दुकान है। यहाँ पे सेकंड हैंड किताबें, नई किताबें बेची और ख़रीदी जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी कम कीमत पर पढ़ने के लिए किताबें मिल सकती है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ का एड्रेस है जालोरी गेट, ये सेकेंड हैंड बुक कंपनी। और दोस्तों जालोरी गेट चौराहे के पास ही थोड़ा सा दूर आप देख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी चिकित्सालय, महात्मा गांधी हॉस्पिटल है जोधपुर में। ये काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है जोधपुर में, सबसे पुराना हॉस्पिटल माना जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल को। यहाँ पर बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ से कुछ चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध दे सकते हैं। सो गाइज, अभी हम एक बुक स्टॉल पर पहुँच के आप देख सकते हैं कि सर्वोदय बुक स्टॉल है। इसके अंदर जो हमें कुछ किताबें पसंद आएगी वो हम लेंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो हमें पसंद आ सकती है और तो हम उसको ख़रीद लेंगे। अभी मैं बुक स्टॉल में गया था, वहाँ से बाहर आ गया और मैंने एक मौसमी का जूस पिया था और इसके साथ मैंने काफ़ी दूसरी किताबें भी देखी थी, लेकिन मैंने एक ये अब्राहम लिंकन की आप देख सकते हैं कि ये मैंने किताब ख़रीदी है जो 50 रुपए की है। और इसमें दूसरे भी बहुत सारे आप देख सकते हैं कि मतलब महान जो पुरुष हैं उनकी बायोग्राफी है। और मैं आपको अंदर से इसकी कुछ दिखा देता हूँ, अब्राहम लिंकन करके ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो इसके बारे में मैं आपको बताएंगे। सो गाइस, फाइनली मैं वापस अपने रूम पे आ चुका हूँ और मैंने आपको व्लॉग के शुरुआत में बताया था कि मेरे छोटे भाई का जो यूट्यूब पेमेंट आ चुका है, तो मैं उसको कितने रुपए देने वाला हूँ, कितने रुपए मैंने एटीएम से निकाले हैं। आप देख सकते हैं ये उसके रुपए हैं, तो मैं इसको दे रहा हूँ इसके जो यूट्यूब के पैसे आए हैं जो इसका यूट्यूब का चैनल। अच्छा, तो आप कितने एक्साइटेड हैं ये अपना पेमेंट पाके बता सकते हैं हमारे? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, देख सकते हैं मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट है जो एक मेरा चैनल है उससे आई है। अच्छा, उस पर मैं एनिमल्स के वगैरह वीडियो डालता हूँ। ओके, और डॉलर मतलब आए थे मेरे 127 डॉलर, लेकिन उसमें मैंने टैक्स का यूएस टैक्स का फॉर्म नहीं भरा था, इसीलिए मेरे कट कर 97 डॉलर ही आए थे। ओके, तो इतना ही पेमेंट आया मतलब ये साथ
7300 के आसपास थे, इसी के आसपास ऊपर नीचे होता था डॉलर में, कभी चौहत्तर पिछहत्तर होते थे, इससे आप समझ सकते हैं इतना ही मेरा है। सो गाइस मेरी ये देख सकते हैं कुल इतनी पेमेंट है, आपको बता दिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप भी इसी तरह मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, और आप भी एक दिन सक्सेस हो सकते हैं, और आप आपका जो भी फील्ड है, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं वीडियो तो बना सकते हैं, एंड आपका जो भी इंटरेस्ट है उस तरह की वीडियो बनाइए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। सो गाइज आपने मेरे पेमेंट के बारे में देख लिया और बता दिया मैंने आपको, और एक किताब भी लाया था, कौन सी किताब है ये? अब्राहम लिंकन की जीवनी है, मतलब अब्राहम लिंकन एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो दास प्रथा के खिलाफ थे। तो इस किताब को हम पढ़ेंगे और इसकी आप भी खरीद सकते हैं यूट्यूब पे, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 50 रुपये की ये बुक है, काफ़ी अच्छी है। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई दिस व्लॉग।